वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने सैलाब से मुतासरा तहसील हटारा जारी को आफत ज़दा करार दे दिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब शहबाज शरीफ ने सैलाब ज़दगान को यकीन दिलाया कि ईद उल अज़हा से पहले मुतासरा खानदानों को माली इमदाद की पहली किस्त जारी कर दी जाएगी। सैलाब की तबाहकारियों का जायजा लेने के लिए वजीर आजम और वजीर आला पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों के दौरे जारी हैं। वजीर आजम नवाज शरीफ तहसील अठारह हजारी पहुँच गए और मुतासरीन को यकीन दिलाया कि उनकी बहाली के लिए जारी इकदामात का जायजा लेने के लिए वो इन इलाकों का चक्कर लगाते रहेंगे। दाद देता हूँ मैं आपको, आपके हौसले पर, आपकी कुव्वत बर्दाश्त पर कि आप इस मुसीबत के अंदर भी इसको बर्दाश्त करते हुए भी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। वजीर आजम को सैलाब मुतासरीन और अठारह हजारी में होने वाले अमलाक फसलों के नुकसानात के बारे में ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम ने मुतासरीन के बिजली के बिल और जमींदारों के ज़रई कर्जे मुआफ करने का ऐलान भी किया। दूसरी जानब वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने नारोबाल और सियालकोट के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया और मुतासरीन के मसाइल सुने। यहाँ बात करते हुए शहबाज शरीफ बोले कि इस मुश्किल घड़ी में इस्लामाबाद में धरना देने वालों को चाहिए कि वो बाहर निकलें और सैलाब जदगान की मदद करें। वजीर आला पंजाब हेड मोहम्मद वाला के करीब जिला मुजफ्फरगढ़ की हदूद में कायम खैमा बस्ती भी पहुँचे। यहाँ शहबाज शरीफ ने मुतासरीन सैलाब को यकीन दिलाया कि उनकी बहाली में कोताही बरतने वाले अफसरों को इबरतनाक सजा दी जाएगी।